हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एलईडी बल्ब बनाने वाले हैं हम। बहुत बढ़िया एलईडी बल्ब, जो कि दोस्तों ये सारा सामान रखा है इसका, और ये हमारी इसकी डाई है दोस्तों, कैप लॉक करने वाली। हैंडल इस तरीके से प्रेस करते हैं तो कैप लॉक हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना, इससे रिपेंगली काफ़ी वीडियो मिलती रहती हैं। तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कम्प्लीट हमारे साथ सारा सामान रखा है हमारे सामने। तो कैप को हमने लिया है और इसकी बॉडी को लिया है बल्ब की। तो इन दोनों को दोस्तों इस तरीके से इसमें लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगाना है, और जो हमारी डाई है, डाई के बीच में इस कैप को रखना है। ठीक है दोस्तों, इस कैप को रख के दबाना है, इस कैप को रखना है हमने इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और दबाया, और अब हमें हैंडल को प्रेस करना है इस तरीके से। एक बार प्रेस करना है, एक स्टेप में हमारा लॉक हो जाएगा, एक स्टेप में लॉक हो गया दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से लॉक हो गया। दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप लोग, सब तरफ से इसकी पिन दब गई हैं और लॉक हो गया है दोस्तों, ये निकलेगा भी नहीं खींचने से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट हो गया, इसमें लग गया। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें अब हमें लगाना है DOB। एल्युमिनियम हाउसिंग है, इसमें DOB लगाना है। तो उससे पहले हम उसमें लगा लेते हैं पेस्ट। तो ये हीट कंपाउंड पेस्ट है दोस्तों, चिपकने वाला है दोस्तों, कई तरह का पेस्ट रहता है इसमें, ये चिपकने वाला है, इसमें लगा लेते हैं हम सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसमें लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, और इसे करेंगे क्या दोस्तों, हम सब तरफ इसे उंगली से फैला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पेस्ट की कैप को हम बंद करके रख दिया हमने, और अब इसकी एल्युमिनियम की जो प्लेट है इसकी, इस पर लगा लें सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस पर लगा लेते हैं चारों तरफ, गोलाई से लगा लेते हैं सब तरफ, और इसे DOB को लगा देंगे, इस पर चिपका देंगे, क्योंकि दोस्तों चिपकने वाली है, वरना हमें इसमें दोस्तों ने होल दे रखे हैं तो उसमें पेच कसना पड़ते हैं। तो हमारे चिपकने वाला पेस्ट है, इसलिए हमने वो लगा लिया है, हीट कंपाउंड पेस्ट। तो कुछ देर के लिए दोस्तों देते हैं इसे सूखने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकेंड का दोस्तों, और ये सूख जाएगी। तो हल्का सा वीडियो स्किप करा मैंने, और हमारी ये कम्प्लीट सूख गई है दोस्तों। तो अब क्या करना है, ये दोनों वायर जो आ रहे हैं इसके कैप से, इन वायरों को DOB और उसके बीच में से निकालना है, बीच में इसके होल है दोस्तों। ठीक है, होल में से दोनों वायरों को निकाल लेना है, और इस जो हमारी प्लेट है इसकी LED बल्ब की, इसे दबा लेना है इस तरीके से, इसे दबा लेना, अंदर के लिए प्रेस कर लेना है। इसमें दोस्तों खांचा बना हुआ है, ये फिट हो जाएगी। इसकी भी डाई आती है दोस्तों, लेकिन हमारे पास डाई नहीं है, तो हम इसके हाथ से प्रेस करके इसे दबा के लगा देते हैं। ठीक है, सही तरीके से इसे दबा के लगा देते हैं अच्छे तरीके से। और दोस्तों अब हमें करना क्या है इसमें दोस्तों, केवल केवल हमें टाँके लगाने हैं दो बड़े तरीके से। तो पेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद टाँके सोल्ड कर लेते हैं, और हमारा बल्ब कंप्लीट हो गया दोस्तों। 4 मिनट का वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करा करो। और चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं होती, सारी की सारी वीडियो रियल होती हैं। चैनल को एक बार विजिट करें, चेकआउट कर लें दोस्तों, ताकि सारी आपको रिपेयरिंग से A to Z वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं इसमें हम शोल्डिंग, अच्छे तरीके से शोल्डिंग कर लेते हैं। पेस्ट लगा लिया हमने, और काफ़ी अच्छे तरीके से करना है शोल्डिंग। तो सबसे पहले हम एक वायर लगाते हैं इसमें दोस्तों। DOB में इसमें L और 1 N बना होता है, वहीं इसी पॉइंट पर लगाना है इसमें दोस्तों। पहले से 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, डायरेक्ट है दोस्तों, उसमें कोई सर्किट कोई ड्राइवर नहीं लगेगा। DO वाला बल्ब बनाया हमने, सर्किट ड्राइवर वाला बल्ब जब बनाएंगे, जब आपकी कमेंट वगैरह आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट बल्ब है, बहुत सिंपल तरीके से बन गया दोस्तों, तैयार हो गया हमारा। तो दोनों वायर को हमने शोल्ड कर लिया अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस वाले को भी कर लेते हैं अच्छे तरीके से शोल्ड दोस्तों। टाँके अच्छे लगाना है, वरना अगर टाँके अगर दोस्तों उसके छुट जाएंगे, तो फिर दोस्तों बल्ब कामयाब कैसे होगा, बंद हो जाएगा बार बार। इसमें दो केवल टाँके का ही काम है। ठीक है दोस्तों, दो शोल्ड करना है हमें वायर। तो उस कैप को भी लगा लेते हैं सही तरीके से। ये कैप हमने लगा लिए, और सारा सामान हटा लेते हैं। अब हमें लेना है सिंपली होल्डर बल्ब, होल्डर डोरी। तो हमने डोरी ले ली दोस्तों, होल्डर ले लिया। अब इसे हम सीरीज में लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहला बल्ब जो भी हम बनाते हैं, सबसे पहला काम सीरीज में करना है दोस्तों हमें, ताकि हमें शॉर्टिंग ना हो। तो बल्ब काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लो कर चुका है, हमने लगा लिया दोस्तों, अच्छी रोशनी है इसकी, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। बल्ब हमारा कम्प्लीट बनकर तैयार हो गया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।